हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है मास ऑफ 2 kg रिड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल मींस टू मीन बाय द मींस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जो आपको गिवन है 5 revolutions per minute है. उसने पूछा टेंशन इज सेम, सॉरी इफ द रेडियस इज कांस्टेंट टेंशन इज डबल देन इज न्यू स्पीड विल बी. मित्रों टेंशन इज एक्जैक्टली सेंट्रीपेटल फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर. एक्जैक्टली एम ओमेगा का मतलब होता है 2πf का होल स्क्वायर इनटू आर. 2πf f इज द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर. तो हम इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो हो जाएगा 4π² f² r. तो यहां पे अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो टाइम पीरियड हमारा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. मतलब यहाँ पे अगर मैं F1 by F2 लिखूं तो आपका हो जाएगा T1 by T2. यस, T1 by T2 टेंशन की बात यहाँ पे हो रही है मित्रों. तो टेंशन कितने टाइम्स बोला है क्वेश्चन ने? ट्वाइस बोला है. पहले टेंशन T थी, पहले फ्रीक्वेंसी थी 5 revolutions per minute. बात की फ्रीक्वेंसी पर मिनट में ही पूछिए तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा इससे. और जब सॉल्व करके आप इसको निकालेंगे ऑब्वियसली बेटा ये रूट में होगा तो ये रूट टू हो जाएगा. तो F2 will become F5√2. दैट इज ऑप्शन विच विल करेक्ट. ऑप्शन डी विल करेक्ट, दट इज RPM मतलब रोटेशन पर मिनट. फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें और फिजिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना. हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में डेथ वेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि डेथ वेल किस कंसेप्ट पे काम करता है. मित्रों डेथ वेल में क्या होता है, एक वर्टिकल कुआं होता है. क्रॉस सेक्शन व्यू देखता हूं, यहां पे मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे घूमता है और क्रॉस का मतलब इनवर्ट टू द स्क्रीन. यस बच्चों, इनवर्ट टू द स्क्रीन हमारी एमजी लग रही होगी. डेथ वेल ऐसे होता है एक्चुअली, और इस दीवारों पे किनारे हमारा मोटरसाइकिलिस्ट या कार वाले व्हीकल को दौड़ाते हैं. तो मित्रों इस केस में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन व्यू बाहर की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²r और नॉर्मल रिएक्शन यहां पे mv²r के बराबर हो जाएगा. और एमजी इनवर्ट टू द पेपर लगेगा और आपका फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी, तभी वो बैलेंस रह पाएगा, नहीं तो वो इंसान गिर जाएगा. यस, गिराना नहीं है उसका होम में. तो क्या करना है, μs into n. n क्या हो जाएगा, mv²r मित्रों इज इक्वल टू mg को बैलेंस करना है. m से m छमछम हो जाएगा और v की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट. यस दोस्तों, अंडर रूट rg अपॉन में μs का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस. डेथ वेल का ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन है, इफ मास स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब सबको 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा फोर्स कितने टाइम, जो हमारा नेसेसरी फोर्स दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा. मित्रों हमारे पास फोर्स का फॉर्मुला होता है mv² / r, दैट इज mv² / r. अब मास हमें कितना टाइम 50% बढ़ जाएगा, मतलब 1.5 times ऑफ मास, 1.5 times ऑफ वी का होल स्क्वायर अपॉन में 1.5 times ऑफ आर. यस दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25% एफ डैश जो आएगा 2.25% ऑफ द एफ. तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, दैट इज एफ डैश माइनस एफ अपॉन में एफ. यस दोस्तों, दैट विल बिकम 2.25 माइनस 1 इंटू एफ अपॉन में एफ इंटू 100. परसेंटेज चेंज पूछा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी हाउ मच, दैट विल बी अप्रॉक्सिमेटली 125%. दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस. फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स रन भी ज्वाइन करें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड बतानी है. मित्रों वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपने जरूर नाम सुना होगा, ऐसे बॉडी रिवॉल्व करती है मित्रों. यस, अगर बॉडी ऐसे रिवॉल्व करेगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा बाहर की तरफ रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r और अंदर की तरफ होगा टेंशन ऑब्वियसली और प्लस बॉडी का वेट. हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो को इक्वेट करके mg को mv²r से इक्वेट करेंगे. यस तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट rg के हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस. फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और फिजिक्स डॉट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए. थैंक यू. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो डेथ वेल के अंदर गाड़ी चला रहा है तो मिनिमम स्पीड गिवन है म्यू पूछ रहा है. डेथ वेल का मतलब वुडन वर्टिकल वेल में चला रहा है. यस दोस्तों, इस केस में हम लोगों क्वेश्चन में जो mv²r है मित्रों वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाता है और बॉडी का जो इनवर्ड होगा वो स्क्रीन के इनवर्ड जो होगा बॉडी का वेट और आउटवर्ड जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगी. तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg होता है मित्रों और म्यू इंटू एन, एन यहाँ पे हो गया mv²r इज इक्वल टू mg करेंगे. m से m कैंसिल हो जाना है, म्यू अपने को चाहिए तो क्या हो जाएगा rg अपॉन में v². r आपको गिवन है 5, g आपको पता है 10 एंड v² का मतलब 5√5 का होल स्क्वायर. मित्रों इसको सॉल्व किया मैंने तो मुझे मिला 0.40, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज मेड 4 times तो परसेंटेज इंक्रीज इन द मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा बैंकिंग ऑफ द रोड पे. मित्रों बैंकिंग और टर्निंग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है v²r g इज इक्वल टू 10θ. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg 10θ हो जाएगा. अगर आप रेडियस को 4 times कर देंगे 4r, तो वेलोसिटी v डैश जो हो जाएगी वो 2 times ऑफ v हो जाएगी क्योंकि 4 से बाहर मतलब ऑब्वियसली √2 हो जाए, √4 is 2. तो हमारा परसेंटेज चेंज क्या आएगा, v डैश अपॉन में v डैश कितना हो जाएगा 2v माइनस v, ऑब्वियसली इंटू 100% करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है मित्रों. तो इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे v बाई v इंटू 100, दैट इज 100% विल बी योर आंसर. तो आपका 100% ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. फॉर मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिजिक्स एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए. थैंक यू.
हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है कार ऑफ 1000 kg नेगोशिएट्स अ बैंकिंग बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस दिस वन, द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री देन द स्पीड ऑफ द कार. मित्रों, जब भी बैंकिंग या आपका टर्निंग ऑफ द बाइसिकल का केसेस आए तो टेन थीटा हमारा वी स्क्वायर बाई आर जी होती है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल. और थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री, मतलब टेन 45 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर. आर आपको कितना गिवन है? आर आपको दिया 90 इंटू हो जाएगा जी हो जाएगा 10, मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 900. टेन 45 वन हो जाएगा तो वी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस. फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और फिजिक्स एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए. थैंक यू. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है फ्लैट रोड पर टर्न कर रही है, 20 मीटर का उसका रेडियस है एग्जैक्टली, और जी की वैल्यू गिवन है, तो उसने पूछा है कितना उसको बेंड होना पड़ेगा, थीटा टेन थीटा के टर्म्स में देना है. मित्रों, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू. मित्रों, हमें थीटा की वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो टेन थीटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर का मतलब 72, 72 का मतलब 5/18, इट मीन्स टू से दैट दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. यस दोस्तों, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर अपॉन में आर इंटू जी. आर कितना लेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, आर की अगर हम बात करें तो 20 हो जाएगा, और जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 10. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस. फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, कार इज मूविंग द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर सॉरी, और वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड. कार अगर रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, तो थीटा एंगल पे उसका जो पेंडुलम बॉब लटक रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा. यस, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें मित्रों, तो एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ हो जाएगा, बॉडी का वेट एम जी नीचे हो जाएगा, टेंशन यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा. टी का एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा. अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो आपका टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के, और टी कॉस थीटा आपका हो जाएगा एम जी के बराबर. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे मित्रों, तो हमारा टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी. यहाँ पे वी कितना है, वेलोसिटी हो जाएगा 10 स्क्वायर, आर हो जाएगा 10, जी हो जाएगा 10, सॉल्व करेंगे 1, टेन थीटा 1 का मतलब हो गया थीटा 45, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू दोस्तों. हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है, कार इज टर्निंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है. मित्रों, इस केस में हम लोगों को देखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो सकती है वो एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन. एन यहाँ पे हो जाएगा एम जी के बराबर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी. तो इसीलिए इसको हम लोग वी मैक्स भी बोलते हैं. दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. फॉर मोर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें, और फिजिक्स एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.